दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है अगर आप अपनी बाइक ठीक करवाते हो मिस्त्री के पास। आज मैं आपको फ्रॉड के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस बाइक में ऐसी क्या खराबी हुई कि इस बाइक में इतना फुल इंजन खोलना पड़ रहा है। इस बाइक का पूरी, ये अपनी मेरी पर्सनल बाइक है, इस बाइक का फुल इंजन खोलना पड़ रहा है। हाफ इंजन काम था पर फुल इंजन खोलना पड़ रहा है एक मिस्त्री की गलती के कारण। अब इसमें क्या हुआ, कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा धुआं देने लगी ये बाइक। हाफ इंजन काम हुआ था इसमें पहले। अब ये बाइक पूरी खुली तो पता चला हमें, आप देख सकते हो इस बाइक की कंडीशन काफ़ी एक इंजन के हिसाब से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब इसमें हमने करा क्या था, पहले इसमें एक देख रहे हो प्लग, कितने शॉर्ट करिए प्लग, 4 प्लग मेरे पास हैं और दबा दब ये प्लग शॉर्ट कर रही है। 10 किलोमीटर पे ये प्लग शॉर्ट कर रही है और कम से कम 12-15 किलोमीटर पे ही मोबिल ख़त्म हो जा रहा है। अब ये हुआ कैसे, हमने पिस्टन डलवाई है, गाड़ी 180 है, 180 सीसी की अपाची आरटीआर। इसमें हुआ क्या, जब हमने इसमें पिस्टन डलवाई बोर करवाने के बाद, बोर करवाया 0.25 mm का, इसमें जो शुरुआत में स्टैंडर्ड से शुरुआत में होता है, इसमें क्या करा मिस्त्री ने 160 सीसी वाली जो पिस्टन होती है वो डाल दी 50 mm की। 160 mm जो 160 सीसी का इंजन का पार्ट्स था वो 180 सीसी में डाल दिया, क्योंकि 180 सीसी के 160 सीसी के इंजन से सस्ता मिलता है सामान। 160 सीसी का सस्ता मिलता है, 180 सीसी का थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो उसने क्या करा, 160 सीसी वाला पिस्टन इसमें डाल दिया। अब उससे दिक्कत हुई क्या, अब इसका फुल इंजन खोलना पड़ रहा है, इसकी क्रैंक ख़राब हो गई दोस्तों, बैरिंग ख़राब हो गए और काफ़ी धुआं होने की वजह से ये ऑयल फिल्टर, ये ऑक्सीजन फिल्टर, ये काफ़ी सारे ये हमारे ऊर्जे पुर्जे इसके ख़राब हो गए, मतलब कॉस्टली काफ़ी काम होगा अब इसमें। आप देख सकते हो अब इसकी पिस्टन निकल रही है, इसकी क्रैंक जो ख़राब हुई है दोस्तों वो ये बहुत ज़्यादा ढीली हो गई थी पिस्टन, तो क्रैंक पहले से ख़राब नहीं थी पर जब पिस्टन उन्होंने गलत डाल दी तो दोस्तों एक तो हमारा हेड ख़राब हो गया काफ़ी लूज के कारण, ये देख सकते हो ऑयल जो ऊपर था यही बस एक ऑयल था इसमें, नहीं तो ऑयल बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। पिस्टन दिखा देता हूँ, पिस्टन बिल्कुल नया सा है, देखो आप पिस्टन नया है, देखो क्वालिटी देख सकते हो आप, पिस्टन नया है, काफ़ी ज़्यादा धुआं नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 1000 किलोमीटर चली है पिस्टन डलवाने के बाद। मैं आपको दिखा देता हूँ, पिस्टन डलवाने के बाद खाली 1000 किलोमीटर चली है और क्रैंक बोल गई इसकी। दोस्तों तो जब भी आप बाइकों में काम करवाएं तो एक बार देख लें और सामान लेने मिस्त्री के साथ खुद ही जाएं, किसी को ना बोलें कि मिस्त्री तो खुद डाल, आप जब वो सामान ले तो खुद ही डालें, कि खुद ही लेके जाएं कि भाई वो 180 सीसी का सामान ले रहा है, 160 का ले रहा है, लोको ले रहा है और इंजन ले रहा है, मिस्त्री पर विश्वास बिल्कुल ना करें। इस इंजन की दोस्तों कम से कम 10,000 रुपये इस गाड़ी में अब लगेंगे, हालांकि 200-250 रुपये का एक वो था, अगर वो पहले ही कहते थे कि 180 सीसी की पिस्टन इतनी की वो कर देता तो ये 10,000 रुपये अब नहीं लगते कि फुल इंजन काम होगा, रिंग पिस्टन बैरिंग और एक क्रैंक हो गई, ये काफ़ी सारे सामान इसमें अब डलेंगे और लेबर चार्ज वगैरह बहुत सारा, मतलब कि 10,000 रुपये का खर्चा भी इसमें बढ़ चुका है। तो जब भी आप काम कराएं तो अपने सामने ही कराएं, गाड़ी छोड़ के भी ना जाएं। मैंने इस मिस्त्री से पहले ही कह दिया था कि जो औजार लेजिट हैं वही लगेंगे, ठोका पिटी गाड़ी में कुछ नहीं होगी, तो इन्होंने कहीं कहीं से अरेंज करे पर वही जो एक होते हैं वो खुलने के, क्रैंक की बिल्कुल बैंड बच चुकी है, क्रैंक साइड में से भी बहुत पिले हो गई और ऊपर नीचे की भी बहुत पिले हो गई, टैपिट ख़राब हो गए, गाड़ी के टैपिट अब नए डलेंगे, वाल्व नए डलेंगे, टाइमिंग चैन नहीं डलेगी। मिस्त्री भी ये वाला मिस्त्री काफ़ी अच्छा है, देखते ही बता रहा है कि भाई पिस्टन तो अभी डली हुई है पर ऐसे कैसे 180 सीसी में इतनी, मतलब 160 सीसी की पिस्टन डाल रखी है 0.50 mm की, जो कि इतनी ढीली आ रही है, 50 mm की भी इतनी ढीली वो आ रही है पिस्टन। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो खाली 1000 चली हुई है, ये 0.50 mm की डाल रखी है, 160 सीसी में डलती है जब दो बार बोर हो जाता है, 180 सीसी की पिस्टन अलग आती है और ये लोकल पिस्टन है गोड्स की, पता नहीं किसकी है, ऊषा की, इस बार मैं ऊषा की डलवा रहा हूँ कि भाई ऊषा की डालना है, और 180 सीसी की मैं खुद परचेज करके लाया हूँ, ये देख सकते हो बिल्कुल नहीं है, 1000 में चलने के बाद ये हालत हुई है, ये पूरा इंजन हमारा खुल चुका है और अब जाइए बंधना स्टार्ट हो रहा है। पहले सबसे पहले क्या, अगर हमने गाड़ी धुलवाई बढ़िया करके, अपनी इंजन खुलवा के एक एक पार्ट्स धुलवाया, सारे बैरिंग चेंज करवाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एक चीज़ के कारण ख़राब हो चुकी थी।
इन मिस्त्री की हमें एक आदत बहुत अच्छी लगी कि पूरे इंजन को पहले साफ करा अच्छे से, और जो सामान खराब था वो एक साइड रख दिया कि भाई ये तो ढलेगा ही ढलेगा। जिससे भी आप इंजन का काम करवाएं उससे गारंटी जरूर लें। अगर कोई मिस्त्री गारंटी नहीं दे रहा है तो उससे काम ना कराएं, क्योंकि उसे खुद अपने काम पर विश्वास नहीं होता।